बसमरिम वाला शाह महमूद कुरैशी को जिस तरीके से पकड़ा गया उनको जेल की हदूद से जेल की हदूद से पुलिस ने वहाँ पर पकड़ा उनको थ्री एम पी ओ के तहत ले गए उसकी वीडियो जब बनी तो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गई पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर आयन और कानून का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े टी वी चैनल्स के ऊपर ये वीडियो चली वीडियो के ऊपर लोगों ने तबसरे किया और इससे पहले जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था इमरान ख़ान को पकड़ा गया था वो आपको, आपको याद है कि जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को पकड़ा गया था वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन किया गया था ऐसे कुछ जैसे बहुत बड़े कोई दहशतगर्द के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाता है बहुत बड़े दहशतगर्द को पकड़ा जाता है बहुत बड़े दहशतगर्द के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाती है उस तरह का एक ऑपरेशन किया गया और इमरान खान को पकड़ा गया और उसकी वीडियो भी पूरी दुनिया में चली उसकी वजह से भी पाकिस्तान की जो जगह आई हुई पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम हुआ अब जब पुलिस लेकर गई तो पुलिस ने अदालत के अंदर शाह मोहम्मद कुरैशी को पेश किया जब पेश किया तो वहाँ पर हथकड़ियाँ लगी हुई और वहाँ पर बड़ा इस तरह का माहौल बनाया गया कि जिस तरह से बहुत बड़े दहशतगर्द को पेश किया जा रहा है अदालत के अंदर जो समाप्त हुई और अदालत ने जिस तरीके से जो पुलिस की उनकी जो इसदा थी फिज़िकल रिमांड की वो तो मुस्तरद कर दी फार कर दी लेकिन जो जुडिशल रिमांड है वो दे दिया और उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी ने बक्टी का निशान बनाया उसके ऊपर शाह महमद कुरैशी ने उसके ऊपर बक्टी का निशान बनाते हुए चले गए और अब उसके बाद ज़मानत होनी है ज़मानत के लिए उनकी जानब से अप्लाई किया जाना है और इसी तरह से इमरान ख़ान के हक में भी जमानत का फैसला होना है अब आपने इस पूरे मामले को समझना है देखिए इमरान खान तो पहले ये बता चुके हैं कि ये जो इस्लामाबाद कोर्ट का चीफ जस्टिस है इसके ऊपर तो मुझे बिल्कुल अतमद नहीं बिल्कुल भी ये इमरान खान पहले बता चुका है जब इमरान खान अभी जेल नहीं भी गया था अब तो खैर इमरान खान को जेल गए हुए तकरीबन तो कोई छः महीने हो चुके हैं उससे पहले ये उसे पहले की बात है जब इमरान खान अभी जेल में नहीं था अभी इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हुई थी यानी ये पाँच अगस्त पहले की बात है पाँच अगस्त है उस वक्त भी इमरान खान कहता था कि ये जो इस्लामाबाद कोर्ट का चीफ जस्टिस है इसके ऊपर इतमाद नहीं है इसके ऊपर ऊपरदमतमाद किया था और इमरान खान ने कहा था कि इसके ऊपर अदम एतम है इस वजह से यहाँ पर आपने केसेस नहीं लगाने यहाँ पर आपने केसों को दायर नहीं करना आप किसी और अदालत में केस लगा लें लाहौर हाई कोर्ट में चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट में दायर कर लें लेकिन यहाँ ना करें पेशावर में चले जाएँ तो ये इमरान खान की बात आज सही साबित हुई लेकिन ये जो शाह महमूद कुरैशी का केस है क्योंकि अब शाह महम्मद कुरैशी की पिंडी और इस्लाबाद के अंदर जो केसेस हैं नौ मई से मतलब वो शाह महम्मद कुरैशी के बटाले गए हैं इस वजह से अडयाला जेल की हदूद से गिरफ़्तार किया गया अब हुआ क्या हुआ ये कि शाह महम्मद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीन नोटनी बेंच ने जिसके अंदर चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो काय खाम चीफ जस्टिस है उसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मैनला इन्होंने शाह महम्मद कुरैशी की रिहाई का हुक्म दिया शाह मोहम्मद कुरैशी ने सामान पैक किया अपना सारा इकट्ठा किया बाहर आ गए बाहर पुलिस खड़ी थी इन्होंने एक दिन पहले ही उसका उच, ऑर्डर निकाल दिया था शाह मोहम्मद कुरैशी का कि थ्री एम पी ओ में गिरफ्तार करना वहाँ पर पुलिस खड़ी शाह मोहम्मद कुरैशी ने जेल की हदूद के अंदर ही खड़े होकर तकरीर शुरू कर दी तकरीर वायरल हो गई वो दो मिनट नहीं लगे पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गई पूरी दुनिया ने उसको चला दिया अब पुलिस ले गई पुलिस ने अब आज एक दो दिन बाद उसका इनकशाफ किया कि वहाँ पर पुलिस ने उनकी बेटी जो है शाह महमूद कुरैशी की मेहरबानों उन्होंने इंकशाफ किया कि शाह महमूद के साथ रात के वक्त टॉर्चर किया गया फिज़िकल टॉर्चर मेंटल टॉर्चर और एस एच ओ ने टूटे मारे लाते मारी मुक्के मारे उसने रात को सोने नहीं दिया लाइटें चला देते थे बत्तियाँ ऑन कर देते थे फिर वॉशरूम नहीं है पानी नहीं है ना वज़ू हो सकता है ना बाथरूम जा सकते हैं कुछ भी नहीं तो ये उसकी जो शाह मोहम्मद की बेटी है उसने ये सारा कुछ बता दिया फिर अदालत के सामने ये जब सब कुछ बयान किया गया शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि मैं कुरान पर हलफ देने को तैयार हूँ कि मैं नौ मई वाकई वाले दिन तो मैं लाहौर के अंदर या पिंडी के अंदर इस्लामाबाद के अंदर तो था ही नहीं मैं तो कराची में था मैं तो अपनी वहाँ पर बीबी का इलाज करवा रहा था और इमरान खान भी यही बात करता है वहाँ पर देखें यह शाह महमूद कुरेशी की बेटी ने भी मसम्मत की और शाह मोहम्मद कुरशी ने खुद भी कहा कि मेरा अब मई वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान भी कई मरतबा कह चुका है कि मेरा नौ मई वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है मैं तो जेल में मौजूद था उस दिन तो मैं जेल में पकड़ा हुआ था मुझे तो पता भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है बाहर मामलात क्या चल रहे हैं अगर कोई इसमें मुलविस है अगर इसमें कोई पकड़ा गया है अगर इसमें कोई कोई किसी ने किरदार अदा किया है तो ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इसमें तो कोई दो राय नहीं इसमें तो कोई भी बंदा ये नहीं कह रहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो ये जलाओ गाओ ये तनसीबात के ऊपर हमला ये तोड़ पोड़ ये तो कोई भी पार्टी या कोई भी बंदा इसको तो सपोर्ट नहीं करता हाँ पुरान एहतजाज तो सबका हक है वो तो होना चाहिए पुरमन पुरान अमन तरीके से अब इसी के ऊपर ही शाह मोहम्मद कुरशी ने पूरा अपना मुकदमा खड़ा किया तो पुलिस की जानब से फिर फिजिकल रिमांड की बात की गई जस्मानी रिमांड की तो जसमानी रिमांड की जब बात की गई है तो इसके ऊपर फिर अदालत ने कहा कि ये जिसमानी रिमांड की जरूरत तो नहीं है अब जुडिशल रिमांड कर दिया जाता है तो जुडिशल रिमांड के ऊपर शाह महमद कुरेशी को भेज दिया गया अब सुप्रीम कोर्ट का उससे पहले फैसला तीन नकनी बेंच का और उसके बाद ये अदालत का फैसला और शाह महमूद कुरेशी की ज़मानत अब उसके लिए अप्लाई किया जाना है क्योंकि ये जुडिशल रिमांड का मतलब ये है कि ये जुडिशल कस्टडी में आ गए हैं शाह मोहम्मद कुरैशी और वहाँ से ज़मानत के लिए अप्लाई करना आसान है और यहाँ से ज़मानत भी मंजूर होने के चांसेस नाइन्टी परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट होते यही अब इमरान ख़ान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया गया कि इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाने के लिए जो इकदाम है वो किए जाए और ये इसताह की गई है पटिशन दायर की गई है कि इमरान ख़ान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई इमरान ख़ान के खिलाफ ये मुकदमेबाजी इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे कोई और वजह नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ़ सियासी इंतकामी कार्रवाई जिसमें ये शरीफ ख़ानदान और जरदारी खानदान है ये नहीं चाहते कि सियासी तौर पर उनके मुकाबले में कोई बंदा भी खड़ा हो कोई पार्टी उनके सामने हो कोई उनके मुकाबले में हो कोई उम्मीदवार हो वो चाहते हैं कि बस अपनी तन अपनी तमकनत में और अपने जोम में बस वो अकेले इलेक्शन लड़ें और इनका हाल ही है सियासत का कि आज एक सियासी मुखालब का सामना करने से ये लोग डरते हैं घबराते हैं खौफसता है ये इनके ऊपर इमरान खान का इतना फोबिया चढ़ गया कि ये डरते हैं आज ये इनकी हालत है और सियासत इनकी चालीस चालीस पचास पचास साल किया और इमरान खान ने इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ आज शाह महम्मद कुरैशी की रिहाई और उसके बाद इमरान ख़ान की ज़मानत और उनकी रिहाई अब ये सामने दीवार है अब इसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आप ये मुल्क को इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते मुल्क के साथ और इसको ये जग हसाई का जो बाइस बनता है ये इस तरह के वाकियात इस तरह की चीज़ें और इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह के मामला इससे मुल्क के लिए जग हसाई होती है और इमेज ख़राब होता है जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते पहले ही पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ है बहुत हो गया बहुत कर लिया पाकिस्तान का नुकसान मजीद पाकिस्तान का नुकसान अफोर्ड नहीं किया जा सकता पाकिस्तान उसका मुतामिल नहीं हो सकता यहाँ पर जो मिसाइल है उसमें मजद इजाफ़ा न किया जाए और रिहाई ही वाहिद ऑप्शन है